नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सबका डाउट था कि क्या सर रेलवे ने ITI और अप्रेंटिस का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्रिटेरिया था, क्या रेलवे ने उसे हटा दिया है। तो डियर टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में रेलवे का जो ऑफिशियली RTI रिप्लाई आया है उसके माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पे क्लेरिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा, फिर भी काफी हद तक जो आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हैं कि क्या ITI हट गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहीं से पैसे उधार लेकर ITI कंप्लीट किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरों से कर्ज लेकर यहां पे ITI कंप्लीट किया है, बस इसी होप में, इसी उम्मीद में कि अब रेलवे ग्रुप डी भर्ती में ITI कंपलसरी हो गया है और अगर हम ITI कर लेंगे, क्योंकि ITI वाले अधिकतर बच्चे ज्यादा कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो भी बच्चे जिस उम्मीद से ITI किए हैं कि ग्रुप डी में अब ITI यहां पे रेलवे कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि यहां पे 2019 से रेलवे एक के बाद एक नॉन स्टॉप आपका जो है नोटिस जारी कर रहा है कि भैया जो भी हम 2019 के बाद का भर्ती देंगे उसमें ITI कंपलसरी रहेगा। पर अभी जब से पटना में टीचर लोगों के साथ मीटिंग हुआ तब से ये जो अफवाह है इतना तेजी से फैल रहा है कि हर एक ITI बच्चों के जुबान पर बस एक ही सवाल है कि क्या सर ITI को हटा दिया गया है, क्या सर अप्रेंटिसशिप को हटा दिया गया है ग्रुप डी से। तो टेंशन मत लीजिए, आज देखेंगे कि रेलवे RTI में क्या जवाब दिया है, कि क्या सच में RTI को RTI से जो पता चला है उसमें आपका सच में ITI को हटा दिया गया है या फिर ITI को नहीं हटाया गया, ये सिर्फ टीचर के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है छात्रों के बीच। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा, हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो RTI है, और जब से ITI का जो अफवाह फैलाया जा रहा है तब से जितने भी ITI साथी हैं सभी RTI लगा रहे हैं, ठीक है, सभी RTI लगा के पता करना चाह रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हो गया है। जिस पर्पज से उन्होंने ITI कर रखा है, जिस पर्पज से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनका उम्मीद धरा का धरा रह जाएगा, इसी पर्पज से सभी कैंडिडेट RTI लगा रहे हैं। उनमें से एक RTI हमारे पास भी आया है, उसके माध्यम से आप अपडेट देखेंगे। ये RTI आपका 10 फरवरी 2024 का डेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना, 10 फरवरी 2024 का डेट में आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब इसमें देखिए बेसिकली तीन सवालों को कवर किया गया है। सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया, और ये बेसिकली RTI नहीं, ये उन सभी जितने भी ITI साथी है उन सबका सवाल है, उन सबका दर्द है जो यहां पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर RTI में ये पता चल गया ना कि ITI हट गया तो सभी छात्र यहां पे प्रिपरेशन छोड़ देंगे, क्या फायदा फिर प्रिपरेशन करके जब ITI रहेगा ही नहीं। पर अभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देख लीजिए रेलवे क्या बता रहा वो देखिए, दूसरा क्या बोला उससे आपको कोई भी लेना देना, कोई भी मतलब नहीं रखना है। रेलवे क्या बोल रहा है वो देखिए, मुझे पता है कि जो 10th पास वाले कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा खराब लगेगा, पर देखिए डियर जो ग्रुप डी पोस्ट है ना वो बेसिकली ITI और अप्रेंटिस के लिए ही डेडिकेटेड है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो रेलवे से एक साल अप्रेंटिस करता है ना उनसे कैसा काम कराया जाता है, मजदूर से भी बदतर हालत हो जाती है उनके एक साल के दौरान। और आपको अगर नहीं पता होगा ना तो आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा या फिर नियरेस्ट जो वर्कशॉप होगा वहां पर जाके आप देखिएगा कि एक्ट अप्रेंटिस वालों से कैसे यहां पर सुलूक किया जाता है और उनसे कैसे काम लिया जाता है। फिर भी लोग बस इसी होप, इसी उम्मीद से अप्रेंटिस करते हैं कि हमको रेलवे ग्रुप डी में बेनिफिट मिलेगा, हमको वहां पे रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जाकर वहां पे जो आपका अप्रेंटिसशिप करते हैं। चलिए देखिए कि यहां पे क्या बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल ऑफ लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट। पहला पूछा जा रहा है कि ग्रुप डी पोस्ट का सारे डिपार्टमेंट का हमको भैया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा कि गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 ग्रुप डी पोस्ट। दूसरा भी जो क्वेश्चन है पहला से सेम मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा यहां पे माइनर मिस जो आपका अंतर है वो देखने को मिल रहा। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा कि प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन दैट ITI हैज बीन रिमूव्ड। देखिए यहां पे ITI हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ऑल लेवल 1 डिपार्टमेंट। तीसरा क्वेश्चन कैंडिडेट पूछ रहा है कि क्या सच में ITI मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हटा दिया गया है। ये तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा, और यहां पे रिक्वेस्टेड आपका आया है 13 फरवरी 2024 के डेट में। अब ये देखना है कि रेलवे इस पर क्या प्रतिक्रिया दिया है, रेलवे क्या रिजल्ट बताया है।
अब रेलवे का रिजल्ट देखिए, रेलवे का प्रतिक्रिया क्या बोल रहा, मतलब एक सही से क्वेश्चन भी अगर आप रेलवे से पूछिएगा, जिनका जिम्मेदारी है सिर्फ आपके सवालों का जवाब देना, वो भी एक काम भी रेलवे से नहीं हो पा रहा। पहले तो हमारा हक वैकेंसी तो कम हो ही गया, अब दूसरा आरटीआई में भी ये लोग कंजूसी करने लगे हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या रिप्लाई आ रहा, 13 फरवरी 2024 के डेट में, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन, अब ये अपना रूल कायदा कानून आपको बताएंगे कि ये फलाना सेक्शन धिमक्का सेक्शन के कारण आपको हम पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएंगे। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा कि नॉट सपोज्ड टू क्रिएट और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एज डिजायर बाय दी एप्लीकेंट्स, मतलब हम आपको इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है। इस पार्टिकुलर रेलवे का आरटीआई में रिप्लाई ये आया है। ठीक है, और भी एक रिप्लाई आया है जिसमें कुछ हद तक यहां पे क्लेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा, आपको एक नोटिस रेफर किया जा रहा कि देखिए, रेफर टू चैप्टर 1 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 एंड वेरियस सर्कुलर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 पोस्ट एज अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहां पे बताया जा रहा कि अगर आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना है ग्रुप डी का, तो इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस है, एक सर्कुलर है, आप वहां से जाके डिटेल से ग्रुप डी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान सकते हो कि उसमें आईटीआई हटाया गया है या फिर नहीं हटाया गया है। पर ये डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जी हमने आईटीआई हटा दिया है या फिर नहीं हटाया है। ये हुआ। अब यहां पे देखिए आगे आपको क्या बताया जा रहा, पहला जवाब देख लिए, दूसरा जवाब देखिए। दूसरा जवाब में आपको यहां पे बोला जा रहा है सिंपल सा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड अबाउट इंडियन रेलवे फॉर आईपी पर्सनल कोड्स एंड मैनुअल इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1। इसमें थर्ड आपको जो क्वेश्चन था उसका जवाब बताया गया है, दी एप्लीकेंट्स मे ऑल्सो रेफर दी डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 पोस्ट एज एंड वेन नोटिफाइड फॉर दी रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल फॉर दी नोटिफाइड वैकेंसी। आगे आपको जो एक पर्टिकुलर नोटिस के बारे में बोला जा रहा, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, जब आपका 2019 में भर्ती आया था तब का वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और बार बार रेलवे आपको बोल रहा कि उस नोटिस को देखिए, उसमें सारा कुछ आपको क्लेरिफिकेशन दिया गया है। तो हम भी सारी जानकारी की पड़ताल के लिए सीधा आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल साइट पे। देखिए साथी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि अगर रेलवे आईटीआई के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, अप्रेंटिसशिप के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, तो इस बार हम लोग चुप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और अपना यूनिटी बना के रखिएगा, क्योंकि आज से जब आप अपना यूनिटी बनाना शुरू करिएगा ना, तब जाके कुछ टाइम में आईटीआई का एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा यूनिटी निकल कर सामने आएगा। और चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई रेलवे एक्शन लेता है आईटीआई के प्रति, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल साइट पे, जैसा कि आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे, यहाँ पे आपका नोटिस मिलेगा कि ENNG2 सर्कुलर करके। अब यहाँ पे आपका जो आपको नोटिस देखना है वो 2019 के डेट में नोटिस आया था, उस 19 वाले डेट में नोटिस में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 2022 का हो गया, ये 2021 का कॉलम हो गया, हमको भैया कौन सा कॉलम में जाना है, हमको 2019 जाना है, ये 2020 हो गया, 2019 कहाँ है, देखिए यहाँ से आपका 2019 का भी शुरुआत होता है, यहाँ से आपका 2019 है, और 2019 में मार्च के आसपास आपका वैकेंसी आया था, तो हमें वहाँ पे चलना है। देखिए यहाँ पे आपका एक नोटिस आ रहा है, ध्यान से समझिएगा सभी, यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है, नोटिस नंबर है आपका ENG2/17RR1/12। यहाँ पे देखिए जो नोटिस है आपका 26/2/2019 के डेट में आया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है क्या कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1। आप चलिए नोटिस को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं उस ऑफिशियल नोटिस पे, जो आपको आरटीआई के माध्यम से बताया गया है, रेफर किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड, या आपका न्यू दिल्ली 26/2/2019 का डेट का जो लेटर है वो यहाँ पे जारी किया गया है। ये लेटर रेलवे के सभी जनरल मैनेजर और ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट को भेजा गया है। सब्जेक्ट में आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 पोस्ट, जो आपका ग्रुप डी था वो लेवल 1 पोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा कि लेवल 1 में आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट आता है, तो आपका मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, SNT डिपार्टमेंट आता है, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहां पे देखिए बताया गया है कि 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो NSC है ग्रांटेड बाय NCBT, और 10th प्लस
आईटीआई, ठीक है, 10th pass plus ITI, मतलब यहां पे दो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपका बात किया जा रहा। कौन कौन सा? पहला आपका 10th plus NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका बोला जा रहा है 10th plus ITI, चाहे आपका एनसीबीटी से हो या एससीबीटी से हो, यह पहला क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको और करके बताया जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि आपको यहां पे जो सीएन 2/2018 में हुआ था 10th pass और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द एनसीबीटी, मतलब यहां पे भी आपका 10th pass का भी बात किया जा रहा है। देख लीजिए आप लोग यहां पे ध्यान से समझिए कि ओनली वन आपको सिर्फ 10th pass रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो आपको बोला जा रहा कि कंटेंट इन बोर्ड लेटर सर्कुलेटेड अंडर आरबी नंबर इतना करके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो ये अपर एज लिमिट के रिगार्डिंग है, तो ये आपको नहीं देखना है। ये सिर्फ दो यहाँ पे जो पैरा है उसमें आपको ध्यान देना है। पहला पैरा आपको बोल रहा है आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप, दूसरा में बोल रहा कि भैया हम 10th pass वालों को भी एलिजिबल किए थे। तो 2019 के जो नोटिफिकेशन है उससे कुछ भी सामने निकल कर नहीं आ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि रेलवे कभी भी अपना बाजी को पलट सकता है। हम फिर से बोल रहे हैं, रेलवे कभी भी अपना बाजी को पलट सकता है, पर यह भी बात उतना ही सच है कि रेलवे की तरफ से अभी कोई भी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है। पर हाँ, वेस्टर्न रेलवे के जब आप ऑफिशियल साइट पे जाके देखिएगा तो वहां पे आपको एक नोटिस मिल जाएगा कि हम जो भी आप 2019 के बाद भर्ती करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई या फिर आपका सीसीए वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, 10th pass वाले को मौका नहीं मिलेगा। तो रेलवे ने अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया, पर जो सिर्फ आपका टीचर के साथ जो मीटिंग हुआ था तब से ये जो मुद्दा है हाईलाइट हो गया है। तो हम आपको यही एक बोलेंगे वीडियो के अंत में कि इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, अपना प्रिपरेशन करते रहिए। अगर रेलवे आईटीआई के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, अप्रेंटिस के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या कदम उठाना चाहिए। अभी ऐसा रेलवे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू जारी रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।